देसी एग्रो में आपका स्वागत है। इस टाइम मैं टांडा में हूँ, अंबेडकर नगर, और ये देख सकते हैं नहर। और इस टाइम मैं खड़ा हूँ, जो यहाँ का पावर प्लांट है वो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, और उसके ठीक बगल से नहर गई हुई है। तो इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ कि नहर में पानी आता है ये तो पता है, बट आता कहाँ से है वो दिखाता हूँ। तो ये इसका एंट्रेंस पॉइंट है, जिसे इसके साइड में नदी है। देख सकते हैं इस साइड नदी है, मैं अभी आगे चल के आपको दिखाता हूँ। और यहीं से पानी होके इन बैरियर्स के थ्रू उस साइड जाता है। इन बैरियर्स को ऊपर करते हैं तो पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तीन बैरियर्स लगे हुए हैं, मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये होता है। पानी जब छोड़ना होता है, ज़्यादा कम करना होता है, तो यहाँ से इसको अप डाउन करके पानी के बहाव को कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे बीच का बैरियर खुला हुआ है, ये वाला देखिए बंद है, इस तरीके से यहाँ से मैनेज करते हैं। तो चलिए आपको नदी के साइड लेके चलता हूँ। नदी थोड़ी आगे है, तो मतलब ये इसका एंट्रेंस पॉइंट है, यहीं से पानी इंटर होता है और नहर के थ्रू किसान भाइयों के खेत तक पहुँचता है। जितने भी किसान लोग हैं इस नहर से अगल बगल में, जो लोग भी जिनका भी खेत है, उन लोगों को इसी तरीके से पानी मिलता है नहर के थ्रू। तो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ कि नदी कहाँ पे है। यहाँ पे भी आप डाइवर्जन देख सकते हैं, यहाँ देखिए पानी जा रहा है और उस साइड भी देखिए पानी जा रहा है। और मैं इस वक्त जहाँ खड़ा हूँ, इस रोड के ठीक पीछे एक नहर देखिए पतली सी गई है, यहाँ से भी पानी जा रहा है। ये सप्लाई, ये छोटी वाली नहर है, जो नहर मैंने अभी आपको दिखाई वो बड़ी वाली नहर है। और ठीक सामने जो हमारा नदी का एंट्रेंस है, वहाँ चलते हैं, वहाँ आपको नदी दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से पानी होके नहर की तरफ जा रहा है और नदी उसके ठीक पीछे है, इस बिल्डिंग के ठीक उस तरफ है। मैं आगे चल के दिखाता हूँ। फ़िलहाल मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, ये चौधरी चरण सिंह पंप नहर लिखा हुआ है। आगे चल के मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ। तो चलिए हम इसके अंदर चलते हैं। ये देख सकते हैं आप, पंप नहर का नाम चौधरी चरण सिंह टांडा, पंप नहर टांडा अम्बेडकर नगर, यहाँ पर सारी डिटेल मेंशन है। अब इसके अंदर के थ्रू चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसे पूरा प्रोसेस काम करता है। अच्छा, यहाँ से पूरा सेट किया हुआ है। देखिए एनटीपीसी का ड्रेजर भी चल रहा है। अच्छा, एनटीपीसी में भी पानी जा रहा है यहीं से? जैसे मतलब ये क्या चीज़ है ये जो? हाँ, चलिए जरा सब नज़दीक से देख लिया जाए। ये कैसे पंप हैं, बड़े बड़े पंप हैं पानी को भेजने के लिए? अच्छा अच्छा अच्छा, पानी इन्हीं के थ्रू जा रहा है मतलब। काफी मोटी पाइप्स हैं इसके अंदर। अच्छा, ये चल रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा अंदर पानी में हलचल हो रही है। तो ये पानी ऊपर की तरफ खींच रहा है ना, नदी में से खींच के नहर की तरफ भेज रहा है, उधर से पानी उठा रहा है और ये इस पाइप के थ्रू नहर में जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे यहीं से एनटीपीसी वाला पानी भी जा रहा है? यहीं से एनटीपीसी वाला लेता, वहाँ गेट लगा है ना, तो वहीं से घूम जाता है, वहाँ पाइप लगा है, सेट किए हैं, सेट किए, वहीं से पाइप एनटीपीसी की तरफ चला जाता है। और नहर के लिए भी अपने नहर से ही जाता है, मतलब इस पूरे सिस्टम से ही जाता है। ये कितनी पाइप्स लगी हैं ये पूरी? ये 10 है पूरी, पूरी टोटल 10 पाइप लगी हैं कि नीचे आपका ये पाइप्स लगी हैं बड़ी बड़ी और ये पानी को खींच रही हैं और इसके बाद जो है उधर सप्लाई कर रही हैं। अच्छा, वो क्या सिस्टम है? जैसे टीला था जी, ये इतने बराबर वो था, हाँ, जहाँ नीचा है जी, काट करके मिट्टी देखो उधर के। अच्छा, वो मशीन जो मिट्टी को उधर करती है, उधर कर रहा हूँ, वहाँ चल सकते हैं हम लोग? हाँ। चलिए जरा सा उसको भी देख लेते हैं। तो जैसा मुझे लगता था, मैंने अभी तक मुझे नहीं पता था कि पानी किस तरीके से सप्लाई किया जाता है, तो आज हमने इनको देख लिया, चाचा जी ने हमको दिखाया इसको किस तरीके से पूरा प्रोसेस काम होता है। मैंने ये जो पाइप्स लगी हैं, ये नदी में से पानी को निकाल के नहर में डाइवर्ट करती हैं, तब हम लोगों के पास आराम से पानी पहुँच जाता है। और हमको देखने में लगता है कि पानी बहुत आसानी से आ रहा है और इसके पीछे इतना प्रोसेस चल रहा है। चलिए आगे आपको दिखाते हैं।
ये क्या चीज़ है चाचा जी? हाँ देखिए, ये आप शायद क्लियर देख पा रहे होंगे, पानी पूरा फुहारा आ रहा है इसमें से, ये पानी को निकाल के। ये दो नंबर। अच्छा, ये दो नंबर है? दो नंबर पंप है, वो एक नंबर है, दो नंबर है। अच्छा, इस तरीके से पूरे दस दस नंबर है। तो अभी ज्यादा तो चालू हुए नहीं है, तीन चार चालू ही करते होंगे। तीन चल रहा है ना प्रेजेंट में, जरूरत को जरूरत के हिसाब से आप उसको बढ़ाते घटाते हैं। ये क्या चीज के लिए है? हमारे जैसे जाली है जी, टूट जाए या कुछ हो जाए। अच्छा जी, जी देखिए, हुक लगा है। हाँ हाँ, तो इसको हमको नीचे ऊपर करना पड़ता है जब पानी। अच्छा, ये जो जो आपका ये बंद करने वाला लगा हुआ है, बैरियर जो लगा हुआ है, बैरियर ऊपर नीचे करने के लिए ये पॉइंट है। ये पॉइंट है, ये स्लाइडिंग पे है। जिस नंबर का चाहेंगे उस नंबर का आप खोल के उस नंबर का बंद कर सकते हैं। जैसे हम मान ले जाना एक नंबर पर, जी जी, तो ऐसे ढकेल के एक नंबर पे कर दिए और उसके बाद उसको डाउन करके बंद कर देंगे। अच्छा, जहाँ जरूर समझते वही चाहते जाते। जी जी, वहाँ तो जा नहीं सकते अभी। हाँ, उस मशीन के पास पहुँच सकते हैं? देख ले। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, ये क्या काम करती है मशीन, ये बताइए। मशीन का बोल देखिए, वहाँ पर पानी फेंक रहा है। हाँ, ये ड्रेजर है, इसका काम क्या है? जैसे मान लीजिए ये टीला है, इस टीले की मिट्टी को हटाना है। तो हटाने के लिए कैसे काम करता है ये? हमको पंप हाउस में पानी ले जाना, तो ये हटा रहा, हमको पानी देगा तो हम पंप चलाएंगे। इसके मतलब इसके थ्रू ये टीले हटेंगे, पानी पानी का रास्ता साफ करेगा ये, और पानी फिर यहाँ इस सिस्टम में आएगा और इसके थ्रू नहर में जाएगा, यही कह रहे हैं ना आप? और इसका जो निकासी है वहाँ पे, वो वहाँ पानी क्यों निकाल रहा है? वहाँ पानी निकाल रहे हैं तो वहाँ मिट्टी से उधर चला जाए, इधर मत आवे। अच्छा अच्छा अच्छा, काट करके मिट्टी वहाँ चला जाए। अच्छा, मिट्टी को ही काट के उधर फेंक दे रहे हैं और पानी को साफ कर दे रहे हैं ताकि ये हमारी नहर में आ सके। देखिए, इतने जितना ऊँचे है, जी जी, इतने ऊँचे था, जी जी, सब काट करके खत्म किया। तो इस मशीन का यही काम है, ये इस तरीके से काम पूरा करती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मतलब जैसे NTPC वाला? अच्छा, आपका जो निजी पावर प्लांट है, जो है। अच्छा, यहाँ सप्लाई जो है, देखिए, अच्छा, जो पावर सप्लाई आपके नहर वाले सिस्टम की है वो यहाँ पे पर्सनल लगी हुई है। ये अलग है, ये अलग है, और NTPC वाला वो अलग है, वो दूसरा है, वो जो है वो आम जनता के लिए, आम जनता के लिए, ये पर्सनल सिर्फ नहर के लिए है। अच्छा अच्छा अच्छा, मोटी मोटी सब केबल देख रहे हैं ना? जी जी जी, लाइन पंप हाउस में हमारे आया। हाँ जी जी, अच्छा, आपका नाम क्या है? इंद्रजीत यादव। अच्छा, चलिए, मिलके आपसे बड़ा अच्छा लगा, आपने जानकारी दी उसके लिए धन्यवाद। जी ठीक है, तो जैसा मैंने आप लोगों को दिखाया कि हमें नहर का पानी कैसे मिलता है, आपने वीडियो में देखा भी होगा, तो आप फिलहाल देख सकते हैं टांडा की ये नदी है और इसके पास मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे हमारा जो पंप का सेटअप पूरा मैंने आपको दिखाया, कैसे नहर का पानी जाता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया कि NTPC का जो पावर प्लांट है उसकी सप्लाई भी इस नहर के थ्रू होती है, देख सकते हैं आप, और हमारे नहर में जो पानी जाता है उसकी सप्लाई भी इस पूरे सिस्टम के थ्रू होती है, जो सिस्टम मैंने आपको दिखाया। तो फिलहाल आप नहर देख सकते हैं, यही है हमारे पास, जितनी आसानी से पानी पहुंचता है, आप देख सकते हैं कितना प्रोसेस से होके गुजरता है ये पानी और तब हम लोगों के पास ये पहुंचता है। तो आशा करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें देसी एग्रो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ।